अब आप कहेंगे कायदे से तो ये भी स्ट्रक्चर आपका बेंजीन से ही रिजेंबल कर रहा है लेकिन इसमें हाइपोथेटिकल इसलिए ही बोला है कि लेट जस्ट सपोज कि जो भी प्रॉपर्टीज बेंजीन की होती है जैसे ये कंजुगेशन में है कंजुगेशन साइक्लिक कंजुगेशन में होने की वजह से जो ये जो डबल बोंड का कैरेक्टर है वो बेसिकली सिंगल बोंड और डबल बोंड के मिडल का होता है कि इट इज नाइदर ए सिंगल बोंड एंड नाइदर ए डबल बोंड मतलब ये बेसिकली ये वाला बोन बोलते हम करेक्ट तभी तो हम इसमें जब आप करते हो तो रिंग कह देते हैं है कि नहीं डिलोकलाइजेशन या आप ए, बेसिकली, नहीं हो रही है और ये डबल बोन के डबल बोन ही है करेक्ट तो ऑब्वियसली देखिए गाइज बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लो एक्सट्राइन ये ट्रू स्टेटमेंट है एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ देखिए पहला रीजन तो ये है कि ये जो है 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 एक aromatic structure है itself, और aromatic भी है, इसके भी काफी रीजंस हो जाते हैं कि जैसे फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ओके तो आप फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी है दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है करेक्ट अब तीसरा जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है देखिए प्लेनर तो ये भी हो गया लेकिन जो तीसरा एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज साइक्लिक साइक्लिक कंजुगेशन कंजुगेशन का मतलब जो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का समझ रहे ठीक है थीके? तो यही जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जिसकी वजह से मेजर डिफरेंस आ रहा है इस स्ट्रक्चर में और सेकंड स्ट्रक्चर में इसी वजह से ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाता है और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है दूसरा एक और भी हो रहता है देखिए क्या होता है कि जो नेगेटिव मैंने क्या बोला कि जो ये वाला पी इसमें तो जो डबल बोन का कैरेक्टर है वो बेसिकली uh, ये वाला ही है डबल बोन्ड वाला इस वाले में जो डबल बोन्ड का कैरेक्टर है वो ये है डीलोकलाइज है नेगेटिव चार्ज बेसिकली रिंग के ऊपर कम हो गया समझ रहे हैं और उससे क्या होगा क्योंकि जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लाइ हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पाई क्लाउड को और वो क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड जो कार्बन का न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव स्मॉलर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा टाइटली बाउंड करके ज्यादा अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है रादर देन दिस ओके okay? और क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से होल्ड कर सकता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो बेसिकली ये एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन है जो देखिए ये जो बाद की लाइन है वो एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन है ऑफ कौन डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉन्जुगेशन का बेसिकली ओके सो आई होप आपको सेकेंड स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर अट्रेक्टेड स्ट्रॉली बाई दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑल्सो रीजन भी करेक्ट हो गया जो मैं आपको समझा चुका हूँ तो इसका मतलब बोध ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर